सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम समझ ज्ञान विषय का जो दूसरा भाग है समाज और राजनीतिक, तो उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसकी प्रक्रिया कैसे हुई थी, उसके बारे में हम उससे जो हमने पहले वीडियो देखे हैं ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ चुके हैं, और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम उसके मुख्य लक्षण मुख्य लक्षणों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ के, तो हमारे संविधान और उसके जो मुख्य लक्षण को हम यहाँ विशेषता भी कह सकते हैं, विशेषताएं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिसका मुख्य जो निर्माण प्रक्रिया का जो कार्य है वो 1922 से ही प्रारंभ हो गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। उनका मानना था कि संविधान का निर्माण ऐसे लोगों के द्वारा हो जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके आए। तो इसके कारण से जो सबसे पहले 1946 को है जो हमारे देश के अंतर्गत पहला एक जनप्रतिनिधित्व तैयार हुआ, जिसमें जनता द्वारा चुनकर के प्रतिनिधि को चुना गए, जिसमें 293 प्रतिनिधि चुने गए थे, जिसमें राजस्थान की भी एक अहम भूमिका रही, 14 सदस्य उसमें से राजस्थान के भी थे। तो खूब लंबे समय के प्रयासों के द्वारा हमारे जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा है जो संविधान का गठन किया गया था, तो जिसके प्रमुख जो उस समय जब पहला जो निर्वाचन कार्य हुआ था जनता द्वारा चुनकर के प्रतिनिधि आए, तो उसके प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सभा बनी थी, संविधान सभा निर्माण करने की एक समिति बनाई गई, तो जिसमें भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, जिसको लगभग 3 वर्ष लगभग कहते हैं, तो उसको हम लगभग 3 वर्ष यानी कि यदि पूरा समय यदि पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसको बनाने में लग गए थे। तो ये सारा जो कार्य हुआ था वो भीमराव अम्बेडकर की देख रेख में संविधान निर्माण का कार्य हुआ था, इसलिए भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माण का जनक, ये इनको जनक कहा जाता है, जनक संविधान निर्माण के। संविधान निर्माण के ये जनक कहलाते हैं, भीमराव अम्बेडकर को इनको जनक कहा जाता है। तो संविधान यानी कि नियम कानून थे जिसको बनाने में, क्योंकि यहाँ देश हमारे देश में विभिन्न जाति वर्ग के समूह के लोग रहते हैं, धर्म को अपनाने वाले लोग रहते हैं, तो इसके कारण से है जो इसको बनाने में कई प्रकार के विषयों को बिंदुओं को ध्यान में रखा गया था, ताकि समाज या यहाँ भारत देश में जो रहने वाले हैं सब लोग एकजुट होकर रहे, सब वो इसको विभिन्न अवसर प्राप्त हो। और जिस प्रकार हमारा जो प्रक्रिया हुई थी जिसमें जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुन कर के आए,
तो उस बिंदुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी था, तो उसके लिए कई प्रकार के बिंदुओं का निर्माण किया गया था। तो यदि हम देखें तो उसमें बिंदुओं में मुख्य रूप से राजनीतिक बिंदुओं पर, राजनीतिक सामाजिक बिंदुओं पर, तो समाज से जुड़े बिंदुओं के ऊपर, क्योंकि और राजनीतिक बिंदुओं यानी शासन कौन चलाए, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो इससे संबंधित भी ये मुख्य रूप से, और सामाजिक रूप से भी, और आर्थिक रूप से हम पिछड़ भी गए थे, लोगों को किस प्रकार की योजनाओं के द्वारा आज आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इस प्रकार की योजनाओं के ऊपर भी नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, जिनको यहाँ तो ये जो बिंदु थे ये मुख्य बिंदुओं, तो समाज राजनीतिक जिसमें भारत के जो एकता विविधता एकता अखंडता के बारे में और प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, समाज सुधार के बिंदुओं के बारे में, जिसको हम एक भाषा में लिखें तो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक बिंदुओं के ऊपर कुछ है जो बिंदु तय करके उस पर नियम बनाए, जिनको आज हम मुख्य लक्षण का नाम देते हैं। तो इन पर बनाए गए जो मुख्य जो लक्षण है तो उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो यानी कि इस लक्षणों में किन बिंदुओं पर जोर दिया गया था, तो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक बिंदु, तो इन बिंदुओं के ऊपर है जो, तो यही हमारी आगे जाकर के मुख्य संविधान के अंदर इन बातों को मुख्य लक्षण कहा गया है, विशेषताएं कहा गया है। तो जिसमें से हम अभी एक बिंदु के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, तो हमारा मुख्य लक्षण में मुख्य विशेषता में जो है पहला जो लक्षण है मुख्य लक्षण, तो उसमें यदि हम पहला लक्षण यदि देखें तो पहला लक्षण है संघवाद। तो संघवाद शब्द का यहाँ अर्थ है, तो ये एक राजनीतिक बिंदु को दर्शाता है। तो मुख्य लक्षणों में ये तो भारतीय संविधान के है जो संघवाद की स्थापना एक मुख्य बिंदु रहा है, एक ये मुख्य बिंदु है। तो संविधान के अंतर्गत ये मुख्य बिंदु के रूप में आता है। तो यदि इसकी यदि हम बात करें तो इसका मतलब है, इसका जो अर्थ है इसका मतलब यदि हम निकालें तो मतलब यानी कि इसका जो तात्पर्य इसका जो अर्थ है, तो एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना, तो एक से ज्यादा स्तर पर है जो सरकार का होना, ये इसका तात्पर्य है। यानी कि एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना वो संघवाद कहलाता है, क्योंकि भारत देश में है जो विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने है जो उन्होंने ये निश्चित सुनिश्चित किया कि केवल हमारे देश में जो दिल्ली में कुछ लोग बैठ कर के है जो शासन नहीं चलाएं, उनके हाथ में ये जो शासन व्यवस्था नहीं हो, सारे अधिकार उनके हाथ में नहीं हो, उसके लिए इस बिंदु को तय किया गया जिसमें एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का गठन हुआ, इसका गठन का निर्णय हुआ था। तो इसमें एक से ज्यादा सरकार, तो यदि आज हम भारत देश की यदि बात करें तो यहाँ पर है जो एक से ज्यादा स्तर पर सरकार है, यदि एक से ज्यादा स्तर की यदि बात करें कौन कहाँ कहाँ है, कौन से स्तर हैं ये, तो उसके बिंदुओं को यदि हम ध्यान करें तो अभी हम यहाँ इसके प्रमुख जो स्तर हैं उनके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। तो एक से ज्यादा स्तरों के बारे में यदि हम बात करेंगे तो उसमें आता है, तो हम यहाँ
संवाद का मतलब समझ रहे थे। तो संवाद यानी कि जिसका अर्थ है एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना। एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का होना, तो इस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए है जो संविधान निर्माताओं ने पहलू को भी ध्यान रखा। और हमारे भारत देश में यदि हम बात करें तो यहाँ है जो एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का गठन हुआ है, तीन स्तरों पर है भारत के अंदर। यदि बात करें तो भारत में तीन स्तर, तो तीन स्तरों पर सरकार का गठन किया गया है। तो इन तीन स्तरों की यदि हम बात करें तो उसमें पहला है केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरे नंबर पर आती है स्थानीय। तो ये तीन स्तर जो हैं सुनिश्चित किए गए हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो स्थानीय स्तर को जिसको हम पंचायत राज भी कहते हैं, पंचायत राज व्यवस्था के है जो जिसको स्थानीय स्तर की सरकार। तो इन तीनों स्तरों पर है जो इसका, तो इस संविधान के अंतर्गत है जो इस बिंदु को भी शामिल किया गया है, इस विशेषता को भी शामिल किया गया है जिसमें तीनों स्तरों पर है जो यहाँ शासन चलाने वाले प्रतिनिधियों को अधिकार दिए गए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाते हैं और उसका क्रियान्वित करते हैं और लोग उस कानून के, तो संविधान के बिंदुओं को ध्यान में रख करके ये जो उन कानूनों का निर्माण करते हैं जनप्रतिनिधि, और उस कानून के अंतर्गत सारे वहाँ के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो बिंदु है ये संवाद का बिंदु जो हमारे संविधान के मुख्य लक्षण के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ इससे संबंधित आपको ये संवाद से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब इससे संबंधित अब कुछ प्रश्न आज हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न संविधान निर्माता का जनक किसे कहा गया है? तो संविधान निर्माता का जनक किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हमने इस वीडियो में पढ़ा है, समझा है, तो मैं बता देता हूँ, भीमराव अंबेडकर। अगला दूसरा प्रश्न, संवाद से क्या तात्पर्य है? संवाद होता क्या है, यानी कि इसका भी हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश की है। तो संवाद यानी कि एक से ज्यादा स्तरों पर सरकार का होना संवाद के लक्षण। तीसरा प्रश्न है, भारत में कितने स्तर पर
सरकार का गठन होता है। इसके आगे नाम लिखिए। तो भारत में कितने स्तर पर सरकार का गठन होता है? तो संघवाद के बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में जो 3 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और तीसरा है स्थानीय स्तर, जिसको पंचायत राज की शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये 3 स्तर है। तो आज के ये 3 प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।